हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आज चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं प्रोत्साहन पैकेज। कौन कौन से लोग इस प्रोत्साहन का लाभ ले सकते हैं, कौन कौन इससे बाहर जा सकते हैं, क्या यह पैकेज छलावा है, क्या यह पैकेज लाभकारी है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं, आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो इसके लिए बने रहें, आप वीडियो को अंत तक देखें। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन की घोषणा की। अभियान के तहत घोषित आर्थिक पैकेज 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 10% है। मतलब भारत का जो संपूर्ण जीडीपी है उसका कितने परसेंट है, ये आपको बता दें, ये भारत के संपूर्ण जीडीपी का 10% है। जितनी जीडीपी है उसका 10% भाग है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि 1/10 भाग सरकार जो है इसमें लगा रही है, सरकार जो है इसमें लगा रही है। ठीक है, सरकार जो है इसमें लगा रही है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसको कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि इस राशि में आरबीआई की ओर से किए गए उपाय तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PGMGKY के तहत जारी किया गया पैकेज PMGKP प्रधानमंत्री गरीब किसान पैकेज भी शामिल है। इसको शामिल किया गया, इसमें आपको बता दें यह पैकेज भूमि श्रम किन किन चीजों को के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये आपको बता दें, ये दिया जाएगा आपको, जो पैकेज है ये दिया जाएगा आपको, बता दें, भूमि के क्षेत्र में श्रम तरलता और कानून पर केंद्रित होगा। साथ ही यह कुटीर उद्योग का मतलब समझते हैं, जो घर में, कुटीर माने होता है घर, मतलब प्राय जो है आस पड़ोस के लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है, कुटीर उद्योग बोलते हैं। और MSME मजदूरों, मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। आपको बता दें यह भूमि श्रम तरलता और कानून पर केंद्रित होगा। साथ ही यह कुटीर उद्योग MSME मजदूरों, मध्यम वर्गों, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरत को यह पैकेज क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। साथ ही इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो प्रासंगिकता एवं महत्व, आप बात करें कि जो 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने जनता को दिया है उसका लाभ कौन कौन ले सकता है, तो आपको बता दें इसका लाभ लेने के लिए कौन कौन ले सकता है, तो आपको बता दें इसका लाभ ले कौन कौन ले सकता है, इसका लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सहायक सुधारों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में COVID-19 जैसे संकट के कोई भी प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। आप जानते हैं कोरोना जैसी महामारी इस समय आई हुई है जिससे भारत ही नहीं अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी प्रभावित हो गए। यूरोपीय साझा बाजार के सभी देशों की मुद्रा स्वस्थ हो रही है। आपको बता दें कितने उद्योग धंधे, मजदूर, बेरोजगारी सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मोदी जी का कहना है कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित न हो, इन सब चीजों से बचने के, COVID-19 जैसी कोई संकट आए उस पर उसका प्रभाव सीधे डायरेक्ट रूप से किसी पर न पड़े, इसके लिए इन योजना की शुरुआत उन्होंने किया है जिसका नाम इन्होंने लिखा है आत्मनिर्भर भारत। आपको बता दें कि जो ये योजना है इसका लाभ जो है, आपको बता दें कौन कौन ले सकता है। इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति है। इन सुधारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन
और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल है। मोदी जी का जो उद्देश्य है भारतीय प्रधानमंत्री का, वह क्या है? आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधार, तर्क संगत प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल की गई है इसमें। ये सुधार कारोबार, ये जो सुधार किए गए हैं, ये सुधार जो है कारोबार को बढ़ावा देंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे। कि क्या क्या करेंगे आपको बता दें, ये जो है कारोबार को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, और ये जो है कारोबार को बढ़ावा देगा और निवेश को आकर्षित करेगा, एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला गया था वो और भी अधिक मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी स्पर्धा के लिए तैयार भी करेगी। यह न केवल विभिन्न सेक्टरों में दक्षता बढ़ाएगी बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगी। यह पैकेज संगठित और असंगठित, यह जो है संगठित उद्योगों और असंगठित दोनों क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों और प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करेगा। आपको बता दें, ये जो है जो पैकेज है इन समस्त गतिविधियों के साथ काम करेगा। आपको बता दें, आत्मनिर्भर जो भारत है इसके जो स्तंभ है कौन कौन से हैं, आपको बता दें इसके जो स्तंभ हैं यह विकास को बढ़ावा देगा। अब हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के जो पांच स्तंभ है कौन कौन है। पहली बात तो विकास को बढ़ावा देने और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए यह आत्मनिर्भर भारत अभियान पांच महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके पांच प्रमुख स्तंभ हैं, स्तंभ माने खंभे, इसके पांच जो महत्वपूर्ण पिलर हैं वह कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं आपको बता दें। पहली बात तो अर्थव्यवस्था, क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी, क्या है? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, जो यदि चीन परिवर्तन ही नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है ताकि हम वर्तमान प्रतिकूलता को एक लाभ में परिवर्तित कर सकें, अर्थात जो प्रतिकूलता है उसको अनुकूलता में परिवर्तित कर सकें, यह जो है सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है। दूसरा है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है यह क्या कर रहा है, यह आधुनिक भारत की एक छवि या भारत की पहचान बन सकती है। यह जो भारत है हमारा 1947 के बाद का नहीं बल्कि उसके 1947 के बाद का जो नवीनतम भारत है, पूर्ण सत्ता वाली सरकार का भारत है, उसमें जो है इन सब चीजों की चर्चा करा, नई पहचान बनाने की बात यह कर रहा है। आपको बता दें कि जो ये इसका सिद्धांत है वह क्या है, इसके जो और अगला है प्रणाली, सिस्टम्स क्या होंगे, इसके सिस्टम्स क्या होंगे, इसका जो सिस्टम है, सिस्टम की बात करें तो यह प्रणाली जो है सिस्टम जो 21वीं सदी के प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित हो तथा पुराने नियमों पर अधिक आधारित नहीं हो। ये आप जान लीजिए, पुराने नियमों का त्याग करेगा और नए नियमों को क्या करेगा, धारण करेगा, इसकी चर्चा इसमें की गई है। लोकतंत्र को ध्यान में रखा गया है, इसमें क्या रखा गया है, लोकतंत्र को ध्यान में रखा गया है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा गया है। विशाल लोकतंत्र की उत्साहशील आबादी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। आपको बता दें भारत में उत्साहशील नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह जो है आपको क्या बता दें, इस श्रृंखला को पूरा करता है। मांग की बात करें, डिमांड, जिसके तहत हमारी मांग और पूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की जो है तरह ताकत का उपयोग पूरी क्षमता के साथ किया जाना चाहिए। इसका आपको बता दें जो मांग है आपूर्ति है, आपको बता दें इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें क्या है मांग और पूर्ति की जो संरचनाएं हैं उसके बीच में क्या है विपरीत संबंध रखा जाता है। विपरीत संबंध क्या है आपको बता दें, एक ग्राफ आपने अक्सर देखा होगा इकोनॉमिक्स में होता है, इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा, ये आपका ओ है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। आपको बता दें इसी के बीच में एक इस तरह का ग्राफ बनता है और इस तरह से
आपको बता दें ये जो है डीडी हो जाता है, डीडी माने डिमांड, ये एसएस हो जाता है अर्थात पूर्ति, ये जो है ओ आप कह सकते हैं इसको या ई कह सकते हैं, संतुलन की स्थिति होती है। और ये जो है आपका मांग और पूर्ति में विपरीत संबंध बनाता है। मांग और पूर्ति में क्या होता है विपरीत, अगर किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो कीमत क्या होगी अपने आप बढ़ जाएगी, आपूर्ति अगर कम होगी तो मांग क्या होगी अपने आप मतलब कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। किसी चीज की अगर पूर्ति कम होगी तो मतलब कीमत में वृद्धि होगी, अगर किसी चीज की पूर्ति अधिक होगी तो क्या होगी कीमत घट जाएगी। तो समझ गए ना, इस तरह का सिद्धांत ये बनाता है, डिमांड का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है। आपको बता दें ये जो है आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आप इसको देख सकते हैं, इसके महत्व को समझ सकते हैं। आपको मैंने एक बार फिर से इसको बता देता हूं कि क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं प्रोत्साहन पैकेज की अगर बात करें इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। अभियान के तहत घोषित आर्थिक पैकेज 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के जो है जीडीपी का जो है कितने परसेंट थे 10% थे। हालांकि इस राशि में आरबीआई की ओर से किए गए उपाय तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी किया गया पैकेज पीएमजीकेपी प्रधानमंत्री गरीब किसान पैकेज भी शामिल है। आपको बता दें यह पैकेज भूमि श्रम सरलता तरलता और कानून पर केंद्रित होगा। यह साथ ही यह कुटीर उद्योगों एमएमई मजदूरों मध्यम वर्ग के उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। बता दें कि ये आत्मनिर्भर भारत का महत्व क्या है, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सहायक सुधारों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में COVID-19 जैसे संकट के कोई भी प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। आपको बता दें कोई भी संकट न पड़े इसके बचने के लिए सरकार ने यह उपाय सुझाया है। इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधार की आवश्यकता की गई है और तर्क संगत कर प्रणाली, तरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल है। ये सुधार कारोबार को बढ़ावा देंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे एवं मेक इन इंडिया को और भी अधिक मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी स्पर्धा के लिए तैयार करेगा। यह न केवल विभिन्न सेक्टरों में दक्षता बढ़ाएगा बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगी। यह पैकेज संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करेगा। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ माने गए हैं। वह 5 स्तंभ कौन कौन है? विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए यह आत्मनिर्भर भारत अभियान 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका हुआ है। वह क्या है? अर्थव्यवस्था, जो यदि चीन परिवर्तन ही नहीं बल्कि छलांग सुनिश्चित करता है करती है ताकि हम वर्तमान प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर सकें। और संरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यह जो है आधुनिक भारत की एक छवि या भारत की पहचान बन सकती है। आपको बता दें कि जो प्रणाली सिस्टम, प्रणाली माने सिस्टम जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी स्वचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो तथा पुराने नियमों पर अधिक आधारित नहीं हो, पुराने नियमों का त्याग करके नवीन नियमों को धारण करता है। लोकतंत्र को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। भारत एक विशाल लोकतंत्र है। लोकतंत्र की उत्साहशील आबादी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है, मांग जिसे जिसके तहत हमारी मांग और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की तरह ताकत का उपयोग पूरी दक्षता से किया जाना चाहिए। ये आपका जो प्रधानमंत्री पीएम योजना है इसकी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है ये है। आपको बता दें जो आत्मनिर्भर भारत है इसका मेन बिंदु ये है। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप मनोज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, कमेंट लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि आप लोगों का प्यार मुझे जरूर मिलेगा।
और आप अगर मेरे ऊपर भरोसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।